चलिए दोस्तों, और एक जबरदस्त वीडियो लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा इंडिया में 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है और बहुत सारे कंपनी अपकमिंग 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसका प्राइस अंडर 25 के अंडर है। चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी स्मार्टफोन 25,000 के अंडर आती है और 5G स्मार्टफोन है। सब कुछ बताने से पहले हर दिन की तरह आज भी बोलना चाहूंगा, पहली बार अगर चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, क्योंकि इस चैनल में जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब आपके पास सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो फर्स्ट में आती है OnePlus का OnePlus Nord। जी हाँ, OnePlus Nord एक 5G स्मार्टफोन है और जिसमें आपको हाई रेजोल्यूशन के साथ आपको 6.44 इंच में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा एंड विथ आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, जो क्वालकॉम का होगा, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G में आपको देखने को मिलेगा। रैम वेरिएंट भी आपको अप टू 12GB तक आपको रैम देखने को मिल जाएंगे एंड 256GB का इंटरनल स्टोर देखने को मिलेगा। वो जो प्राइस होगा वो रैम वेरिएंट के हिसाब से प्राइस वेरिएंट भी होगा। और इस फोन का अगर बैटरी बैकअप के बारे में अगर बात किया जाए तो बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम है, जैसे कि 4115mAh में आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर कैमरा सेटअप के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको बेस्ट क्लास आपको कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जो क्वाड सेटअप में आपको कैमरा देखने को मिलेगा 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP में। और सेल्फी जो कैमरा है बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही पावरफुल के साथ आती है, क्योंकि इसमें आपको डुअल सेटअप में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो 32MP प्लस 8MP में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो कुल मिला के ये फोन बहुत ही अच्छी एक स्मार्टफोन है 5G कनेक्टिविटी के साथ और अंडर 25 के अंडर। तो चलिए जान लेते हैं अगला जो स्मार्टफोन है उसके बारे में। तो अगला जो स्मार्टफोन है वो है IQOO, Vivo का जो सब ब्रांड है उसी का है IQOO Z5। तो इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन के साथ आपको इसमें आपको बिग स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे, जैसे 6.67 इंच में आपको बिग स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसका जो प्रोसेसर है बेस्ट क्लास प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलेगा, जो क्वालकॉम का होगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G में आपको देखने को मिलेगा। और इसका अगर रैम एंड स्टोरेज के मामले में अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपको 6GB से 12GB तक आपको रैम वेरियंट आपको देखने को मिल जाएंगे एंड इंटरनल स्टोर आपको 128GB से 256GB तक आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर बात किया जाए बैटरी कैपेसिटी के बारे में तो में आपको 5000mAh में आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएंगे, यानी इस फोन का बैटरी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको ट्रिपल सेटअप में आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP में। और इसका अगर सेल्फी कैमरा के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें सेल्फी कैमरा आपको 16MP में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं अगला जो स्मार्टफोन है उसके बारे में। तो अगला जो स्मार्टफोन है वो भी वीवो की तरफ से है, वीवो V20 का। सेल्फी कैमरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका जो सेल्फी कैमरा है वो आपका 44MP में आता है। और इसका अगर बैक कैमरा के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपको ट्रिपल सेटअप में आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर जो प्रोसेसर, इसका भी प्रोसेसर आपको क्वालकॉम का ही प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G में आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे, जो 6.44 इंच में आपको देखने को मिलेगा। और रैम वेरियंट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 8GB रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोर देखने को मिलेगा एंड बैटरी बैकअप जो 4000mAh में आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगा। अगला जो नेक्स्ट आती है वो भी OnePlus की तरफ से आती है। जी हाँ, OnePlus Nord CE, जो हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ। और इसमें अगर जो प्रोसेसर देखा जाए तो आपको एवरेज स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसका जो डिस्प्ले साइज होगा वो आपका 6.43 इंच में आपको डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएंगे। और इसमें भी आपको प्रोसेसर जो बताया एवरेज में है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G में आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो रैम वेरिएंट है 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो कैमरा है, कैमरा में भी आपको ट्रिपल सेटअप में कैमरा देखने को मिलेगा, जो 64MP प्लस 8 प्लस 2 में। एंड जो सेल्फी है, सेल्फी में भी आप नॉच बिंदी टाइप आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो 16MP में होगा। और इसका जो बैटरी कैपेसिटी है, बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी है, क्योंकि इसमें भी आपको 4500mAh में आपको बैटरी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जो लास्ट में जो सबसे जबरदस्त है और जो सबसे बेस्ट फोन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे लास्ट में जो आती है और सबसे बेस्ट फोन है वो है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ, मोटोरोला एडिज 20 फ्यूजन। जी हाँ, जिसमें आपको 108MP में आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जो बैक साइड का है।
जी हाँ, इसमें आपको ट्रिपल सेटअप में कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, नेक्स्ट आती है 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल में। अदरवाइज इसका अगर सेल्फी कैमरे के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इसका अगर परफॉर्मेंस के मामले में अगर बात किया जाए तो आपको बेस्ट क्लास आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर यूज किया हुआ है फोन में वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U में आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, यानी सबसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो रैम वेरियंट आपको देखने को मिल जाएंगे वो है 8GB का रैम विथ 128GB का इंटरनल स्टोर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको जो स्क्रीन है वो भी बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको बिग स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे जो 6.7 इंच का बिग स्क्रीन होगा विद एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, यानी सोने पे सुहागा आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी आपको 5000 एमएएच में आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कुल मिला के एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन है 5G के। और जो 5G का जो 25 के अंदर आती है वो इस रेंज के हिसाब से, जो बजट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो आई होप टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में बताया ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका अगर कुछ भी अगर कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। और इस टॉप 5 फोन के अंदर आप अगर कोई भी स्मार्टफोन को अगर परचेस करना चाहते हो तो हमारे लिंक से भी आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। इसी टाइप के अगर वीडियोस आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती टाइम देने के लिए।